डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। अभ्यास संख्या 240। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने व्यस्त समय में कुछ समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए हम आभारी हैं। और अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस सम्मेलन में आएं, हमारे साथियों तथा अधिकारियों का मार्गदर्शन करें। पैरा गृह मंत्री जी के स्वागत के बाद प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने दृढ़ और विश्वास भरे शब्दों में सम्मेलन में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित किया। संक्षेप में उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी को सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं और बोलते हैं, इसलिए हिंदी को हमने राजभाषा बनाने के लिए चुना है। यही नहीं, हिंदी का एक अपना इतिहास है और हमारी यह कोशिश रहेगी कि देश में सब लोग हिंदी बोलने और समझने लगें। इस दिशा में काफ़ी काम भी हुआ है, लेकिन जैसा कि अभी गृह मंत्री जी ने कहा है कि जिस गति से और जिस तेज़ी से काम होना चाहिए था, शायद नहीं हो पाया है। पैरा कल हमारा एक दूसरा सम्मेलन हुआ था, उसमें भी कई मुद्दे उठाए गए थे। एक मुद्दा जो सामने उभर कर आया वह यह था कि आज भी सरकार का काम उचित भाषा में हिंदी में नहीं हो पा रहा है, जबकि जो आंकड़े पेश किए गए थे उसके हिसाब से किसी विभाग में 99%, किसी में 98% और किसी में 95% अधिकारी और कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान था। हमें यह सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि लोग हिंदी समझते हैं तो हिंदी में काम क्यों नहीं हो पाता? क्या हमारे आंकड़े ठीक हैं? क्या सचमुच 99% लोग हिंदी अच्छी समझते हैं, या यह आंकड़े केवल प्रोत्साहन भत्ता लेने के लिए ही हैं? पैरा यदि हिंदी का प्रचार होना है और हिंदी में काम होना है तो हमें अच्छी तरह से हिंदी की जानकारी करनी होगी, खासकर जब कानूनी काम और संसद का काम होता है। हमें यह भी सोचना होगा कि हम किस कारण से इस दिशा में पीछे रह गए हैं, कहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया और उसे ठीक करने के उपाय भी सोचने होंगे। हिंदी का प्रचार करते हुए हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है, क्योंकि अगर उन्हें ये लगा तो वे विरोध करेंगे। जो काम हम प्यार से और समझा कर कर सकते हैं वह जबरदस्ती करने से नहीं हो पाएगा। इस बात को अच्छी तरह से समझकर ही हमें हिंदी का प्रचार करना है। साथ साथ हमें यह भी देखना है कि भारत जैसे
बड़े देश में जिसमें इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ यह भी बहुत आवश्यक है कि एक भाषा ऐसी हो जिसे सब लोग समझें और जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। हमने इसके लिए हिंदी को चुना। स्टॉप।